सर आपने ये दो होमवर्क में नहीं दिए थे। ठीक क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं अभी हम। ओके, तो देखो मेंटल एप्टीट्यूड क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सभी में 1 kg की जो भी कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। ओके, किसी में आपको 2 kg का दिया है, किसी में 500 ग्राम का दिया है और किसी में 4 kg का दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg, ठीक है, 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 250 रुपीज। तो 1 kg की कितनी होगी, सर मैं चलो कहूंगी नहीं मुझे फाइनल बताएगा। फाइनल 1 kg की फाइन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। फाइनल देखो, सर हाँ बोलो, 500। 1 kg की फाइन करनी है, 2 kg की दी है फाइनल, 1 kg की हमें फाइन करनी है। ये क्वेश्चन कैसा है, 2 चॉकलेट की प्राइस है 4 रुपीज, तो 1 चॉकलेट की कितनी होगी, वैसा क्वेश्चन है। अभी मैं कहूंगा हाँ बताओ वाणी, क्या आएगा आंसर। हमें ना 125 प्लस 125 करेंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। ओके, इसलिए 1 kg एप्पल की प्राइस है 125। पर वाणी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको ऑपरेशन क्या करना होगा। ऑपरेशन यानी कि दैट मींस विच फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन एडिशन करना है। ओके चलो, यहाँ पे 250 की जगह पे वाणी लिखा है सपोज की 25,000। ओके, और वहां पे 2 kg की जगह पे लिखा है 5 kg, तो आप एडिशन करते वाणी। नो हाँ, तो प्रॉपर आंसर नहीं है, एडिशन नहीं। वैसे सही है, पर आपको यहाँ पे ऑलवेज जब भी 1 kg की फाइन करनी है तब आपको डिवीजन करना पड़ेगा, चाहे कितने भी क्वांटिटी क्यों ना हमें दी हो, हम ऑलवेज क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, 250 को 2 से डिवाइड कर देते, आंसर वही आएगा 125। ओके, 2 1 2, ठीक है, आपको डिवीजन तो आता ही है, फिर 5 आएगा, 2 2 4 एंड 2 5 10, आंसर आएगा ₹125। और यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है। ओके, फर्स्ट का आंसर आप लिख दो। दिया, यस सर। ओके, सभी ने लिख दिया। दिव्य, यस फैनल, सर। पंचे। ओके चलो, यस सर। वैसे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम इज ₹10। ठीक है, अभी हमको पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे 500 ग्राम की 10 रुपीज है, तो 1 किलोग्राम की कितनी होगी, अच्छा मैं कहूँ और किसी को नहीं आता है वाणी के अलावा। पैनल आपको बताएं, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। 500 ग्राम। अभी देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये तो हम जानते हैं ना पहले, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पे 500 ग्राम की कितनी दी है, 10 रुपीज, तो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम की क्या होगी, उससे डबल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ₹20।
लिख दिया? हाँ सर, बोलो। सर मेरा बाकी। क्या? मेरा बाकी है सर। हाँ लिख दो। वन हो ट्वेंटी गया सर। 20 रुपीज है यहाँ पे। ओके चलो उसके बाद में कॉस्ट ऑफ 4 kg राइस, ठीक है 4 kg राइस का 80 रुपीज है, तो 1 kg राइस का कितना होगा? इसमें भी से हम आपको डिवीजन करना है, ठीक है 80 को डिवीजन करके मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। 20 रुपीज, वेरी गुड सर। ये टेबल है देखो, 24 से 80 होता है। हाँ 24 से 80 होता है। लिख दिया? यस सर। ओके देखो फर्स्ट का आंसर था 1 rupees 125, सेकंड का था ₹20 एंड जो सी का आंसर था वो था ₹20, ठीक है। चलो उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज इज ₹30, 1 kg ऑरेंज 1 kg जो ऑरेंज है उसकी प्राइस जो हमें दी है ₹30 दी है, ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ, उसके बाद में हमें ये 3 ABC फाइंड करना है, ठीक है 1/2 kg यानी कि आधा किलो, ठीक है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? देखो 1 kg का ₹30 है तो आधा किलो का कितना होगा रुद्रा, कितना होगा? 15 होगा ना? Yes. हाँ देखो 1 kg का अगर 30 है तो आधा किलो का कितना होगा ₹50 होगा, देखे हाँ yes. देखे पता चल जाता है। yes, sir. अगर नहीं, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप डिविजन भी कर सकते हो उसको डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। फिर देखो फिर सेकंड का 1 kg का 30 है तो 2 kg का कितना होगा? चलो फाइनल बताओ मुझे, 1 kg का 30 है तो 2 kg का कितना होगा? किसको बताए सर? मुझे फाइनल बताओ। हाँ सर नहीं नहीं पंछी बताओ, पंछी बताओ। 60 रुपीज, वेरी गुड। 1 kg का 30 रुपीज है, दैट मीन्स 2 kg का 30 + 30 यानी कि 60, या 30 × 2 60। ओके चलो अभी सी का आंसर मुझे कौन बताएगा? आंसर मुझे नहीं जानना कैसे आया वो भी मुझे जानना है। ओके सर आप सिर्फ क्वेश्चन समझा दो। देखो 1 kg यानी कि 1 kg ऑरेंज की कॉस्ट है ₹30। ओके तो 100 ग्राम ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी? 100 ग्राम ऑरेंज, तो देखो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? 1 kg देखो यहाँ पे ग्राम दिया है तो इसको भी किलोग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके यहाँ पे ग्राम में लिख देता हूं मैं, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज। 30 रुपीज ओके, तो 100 ग्राम ऑरेंज की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम दोनों को हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके देखो ऐसे ही हमने सम सॉल्व किए, 100 × 30 होगा, अपॉन नीचे क्या आएगा? ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में, अपॉन क्या होगा? 1000। ओके
जीरो जीरो हो गया कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, थ्री वन जा थ्री, थ्री अपॉन वन यानी कि थ्री, तो आंसर मिल गया हमें, कितना आएगा रुपीज थ्री आएगा। देखो ऐसे बहुत सारे सम हमने इसके अगले वाले चैप्टर में स्टडी किए, ठीक है, याद होगा सभी को। यस सर, बहुत सारे किए हैं ऐसे तो। सर ये लिख दे, हाँ लिख दो तो अच्छा रहेगा, कैसे आया वो आंसर आपको पता होना चाहिए ना। ये 99 है क्या? ये 99 है कहाँ पे? 99 ये 100 लिखा है और ये 1000 लिखा है, फिर 000 कट हो गया है। ओके ये कट किया है मैंने, नहीं ये मैंने 00 कट किया है, 0 ऊपर 0 नीचे वैसे कट किया है। ओके सर लिख दिया, सभी ने लिख दिया सर, बाकी है। हाँ सर लिख दिया, निकाल दूं अभी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 11। अ फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर यूज फॉर वेट ऑफ 5 kg, 6 kg, 2 kg एंड 8 kg, ठीक है, वो फॉर वेट यूज करता है 5 kg, 6 kg, 2 kg एंड 8 kg का वो वेट यूज करता है, ठीक है, टू वेट द वेजिटेबल एंड फ्रूट ऑफ डिफरेंट वेट्स, ठीक है, फिल इन द टेबल टू शो हाउ विल ही यूज दिस वेट टू वेट डिफरेंट थिंग वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो वेट फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, 3 kg ऑफ पोटैटो है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, 3 kg ऑफ पोटैटो को यहाँ पे देखो 2 kg का यहाँ पे वेट यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पे 5 kg है, और दोनों यहाँ पे इक्वल है, दैट मीन्स जो पोटैटो का वेट 3 kg हो जाएगा, पता चला आपका, क्योंकि 3 + 2 = 5 हो जाएगा, 2 kg प्लस पोटैटो, पोटैटो कितने kg के हो गए, 3 kg के हो गए, ठीक है, पता चला, देखो 2 kg का यहाँ पे वेट है, यहाँ पे 5 kg का है, और दोनों वेट इक्वल है, दैट मींस ये जो पोटैटो यहाँ पे पुट किए वो कितने केजी के हो गए, 3 kg के हो गए, तो यहाँ हाँ तो आपको वैसे ही फाइंड करना है। ओके ठीक है, फिर देखो 7 kg ऑफ पम्पकिन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 7 kg ऑफ पम्पकिन, ठीक है, यानी कि ये पम्पकिन है ना, उसका वेट कितना है, 7 kg है, कितना है, 7 kg, इसमें हमें ना 5 kg का और 2 kg का करेंगे। हाँ तो यहाँ पे हमारे पास वेट कितना है, देख तो एक तो है 5 kg का और दूसरा है 2 kg का, 5 + 2 यानी कि हम 7 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम दो वेट यूज करेंगे, कौन कौन सा यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे 5 kg का, यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ करेंगे 5 kg, ये क्या होगा 5 kg, और ये कितना होगा 2 kg का, ठीक है,
ये 2 kg का, और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 kg + 2 kg, इसके जैसे ही देखो 5 kg + 2 kg इज इक्वल टू क्या होगा 7 kg। सर ये लास्ट वाला हम खुद से करें? खुद से करो। आ रहा है किसी को आंसर? देखो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो वेट है ना वो सर, हो गया। हो गया कैसे किया सर? एक सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। हाँ तो सर वो कितने का ग्राम किलोग्राम का सर है वो ही पता नहीं। हाँ तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई वेट है नहीं जिसको मिला के हम 9 kg कर पाए, ठीक है? हम जिसको मिला के 9 kg पर गए बना पाए, ऐसा कोई वेट है? देखो 5 + 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 + 8 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है? 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम 2 kg का वेट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 kg का वेट हम यहाँ पे कर देंगे, ओके? और यहाँ पे हम करेंगे 6 और 5 का, ठीक है? यहाँ पे करेंगे 6 और 5 का। तो देखो अभी ये 9 kg ओनियन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9 kg ओनियन प्लस 2 kg इज इक्वल टू 11, और 6 + 5 इज इक्वल टू 11। पता चला? यस सर। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनियन प्लस 2 kg इज इक्वल टू 5 kg + 6 kg। हो गया पर हो गया। चलो उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपको नोटबुक में लिखना है, ओके? तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को पहले समझ लो। अ ग्रोसर हैड 48 kg 425 ग्राम ऑफ सुगर इन हिज स्टॉक, ठीक है?
एक जो ग्रोसरी की दुकान वाला था ना, उसके पास टोटल शुगर कितनी थी? एक बोरे में शुगर थी, टोटल मिला के शुगर कितनी थी? 48 किलोग्राम फॉर 120 ग्राम, इतनी शुगर थी। ठीक है, उसके पास ही सोल्ड 32 kg 750 ग्राम, और उसमें से उसने 32 kg 750 ग्राम शुगर बेच दी। तो हाउ मच शुगर लेफ्ट विथ हिम? तो इसमें क्या करना है? ठीक है, मुझे कौन बताएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या करना है? उसके पास उतनी थी और उसमें से उतनी बेच दी, तो कितनी बची? हाँ बोलो। सर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ओके, वेरी गुड। सर, माइनस, माइनस इज द माइनस करेक्ट आंसर। तो देखो, करेंगे। हाँ, तो इसको आपको कैसे माइनस करना है? ऐसे हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए। ठीक है, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम करना है, ग्राम के नीचे ग्राम करना है। ओके, फिर ऐसा प्रॉपर कॉलम बना के पहले ऊपर बड़ा नंबर यानी कि 48 kg 425 ग्राम। देखो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, 425 ग्राम, और उसमें से माइनस करके आपको क्या लिखना है? 32 kg 750 ग्राम। ओके, फिर दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। किलोग्राम का आंसर यहाँ पे आएगा, अरे ग्राम का आंसर इस साइड पे आएगा। तो आंसर, चलो सब्ट्रैक्शन करके मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। सर हाँ 50 kg एंड 675 ग्राम। ओके, चलो और कोई आंसर? पर अबे तो पढ़ दे दो। हाँ करो करो, खुद से करो। सर वो आपने 750 लिखा है। हाँ 750 क्वेश्चन में लिखा ही है। देखो 32 kg 750 ग्राम। यस सर। क्या? क्या 225? बोल रहा है सब्ट्रैक्शन करना है। देखो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, 5 - 0 यानी मेरा। कि 5। ओके, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे हो जाएगा 10 + 2 यानी कि 12। 12 - 5 यानी कि क्या होगा? 7। थ्री में से 7 नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13। 30 - 7 यानी कि 6। 7 - 2 यानी कि 5। ओके, का 4 में से 3 फोर माइनस जाएगा थ्री यानी कि 1। 15 kg 675 ग्राम। तो मेरा यही आंसर आया। 15 kg 675 ग्राम। ओके, चलो उसके बाद में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, खुद से सोच। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है। देखो, द प्रीति बॉट 3 गोल्ड कॉइन्स, द वेट ऑफ दिस कॉइन आर 300 ग्राम, 750 ग्राम एंड 700 ग्राम। ओके, हाउ मच गोल्ड डिड सी बाय? तो यहाँ पे तीनों को आपको क्या करना है? एडिशन कर देना है। ठीक है, 700 + 750 + 300, एडिशन करोगे तो आपको ग्राम में आंसर आएगा। तो उसके बाद में उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, आंसर आपका इतना आएगा इसका, 1750 ग्राम, इतना आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपका इसको कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे? 1 kg एंड 750 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पीछे के 3 डिजिट हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं और आगे का किलोग्राम में, तो 1 kg एंड 750 ग्राम आंसर आएगा।
ओके फिर देखो ऋषि बॉट 4 kg 270 ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 3 kg 50 ग्राम ऑफ राइस ओके व्हाट इज द टोटल वेट टू कैरी तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोनों का एडिशन कर देना है किलोग्राम के नीचे किलोग्राम ग्राम के नीचे ग्राम ठीक है तो आंसर आ जाएगा गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू यस हो जाएगा ना ये यस तो ये दोनों क्वेश्चन आपको किस में करने होमवर्क में करने ओके पैनल हो जाएगा यस सर यज्ञ हो जाएगा ना रुद्रा हो जाएगा ना यस ओके वानही दिव्य रणवीर जयंसी सबका हो जाएगा ना यस यस सर ओके तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ ठीक है कल इस चैप्टर का हम ये दोनों आंसर को एक बार देख लेंगे पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ओके और इसकी पीडीएफ भी जो रिटर्न है ना फिल की हुई वो भी आपको एक दो दिन में मिल जाएगी यानी कि सैटरडे को मिल जाएगी ओके नेक्स्ट सैटरडे को मैंने लास्ट चैप्टर की पीडीएफ भेजी थी तो इस सैटरडे में दूसरे चैप्टर की भी यानी कि जो कंटिन्यू है ना उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगा ओके ओके बाय हैव अ गुड डे बाय सर बाय सर बाय